नमस्कार, आप बीती जग बीती से मंजू तिवारी। मैं आई हुई हूँ छोटा बरहाम। यहाँ पे हम लोगों को पता चला कि यहाँ पे बच्चे बहुत छोटे उम्र में बहुत अच्छे कार्य को कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने कहा कि छोटे बच्चों का इन लोगों के लिए कुछ इस तरीके से किया जाए जो आगे इन लोगों का नाम हो और ये बच्चे आगे से आगे कार्य करने के लिए प्रेरित रहते रहें। इसलिए मैं आई हूँ आरव त्रिपाठी के घर। तो एक वार्ता आरव त्रिपाठी जी से, और ये छोटे ही बच्चे हैं आरव त्रिपाठी और मानस वाजपेयी और अबान खान। तो इन बच्चों से हम एक वार्ता करते हैं। इन बच्चे हैं जिन्होंने पशु पक्षियों के लिए कुछ अच्छा करना और अपने आप से दिमाग में आया कि हमें इन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। और ये इन बच्चों को बहुत प्यार है जीव जंतुओं से, घर के हों या बाहर के जानवरों के लिए खाना, और उनको कुछ हो जाता है तुरंत डॉक्टर को फ़ोन करके बुलाना, इस तरीके से ये बच्चे करते रहते हैं। आइए इनसे एक वार्ता करते हैं। जी, तो नमस्कार। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम मानस वाजपेयी है। तो आपको क्या लगा कि आपको जीव जंतुओं के लिए कुछ करना चाहिए? इसलिए क्योंकि कई जीव जंतु ऐसे बाहर रहते हैं तो कोई खाना नहीं देता है और मारता है तो वो मर जाते हैं, इसीलिए। अच्छा, बहुत अच्छी सोच है। तो और आप जी, आपका क्या नाम है? जी, आरव त्रिपाठी। किस क्लास में हैं? जी, सिक्स क्लास में। सिक्स क्लास में हैं। तो कैसे आपको लगा आ रहा हूँ कि मुझे जीव जंतुओं की सेवा करनी चाहिए या उनसे प्यार करना चाहिए? आप क्या जीव जंतुओं से प्यार करते हैं? जी हाँ, और मेरे घर में रैबिट्स हैं, डॉग है और कछुआ और पैरेट और कई ऐसे ही हैं, और एक दो के नाम नहीं याद आ रहा है। हाँ, मिली बडी, वो भी रैबिट्स हैं और पैरेट्स हैं, और मतलब कि बाहर जानवर कई जगह पर देखा है मरे हुए रहते हैं। बड़ा दुख होता है दिल को, मतलब कि लगता है कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो अब यही सोच के हम लोग करते हैं, और मतलब कि ये जो फील्ड वर्क रहता है, चंदा जिसको कहते हैं, कई लोग मंदिरों के लिए चंदा 100, 200, 300, 500 देते हैं, और इसके लिए तो लोग खाली 10-10 रुपये दे रहे हैं क्योंकि बच्चे समझ के, और हम लोग मतलब कि बच्चे तो हैं ही वैसे, और दिल खाली बड़ा रखना चाह रहे हैं बस जानवरों के प्रति। तो आप जो पैसा चंदा बता रहे हैं, चंदा लेके आते हैं, तो उन पैसों का क्या करते हैं आप? जी, सारा पैसा एक बॉक्स है उसमें इकट्ठा होता है, और फिर उसको मतलब कि गिन के, और जो डॉग्स रहते हैं उनके लिए मतलब कि मतलब बिस्किट्स होते हैं पार्ले जी, और जो फूड होता है डॉग फूड, जो मतलब ज़्यादा वीक होते हैं उनके लिए वो सब आया जाता है, और जो मतलब आटा खरीदते हैं गायों के लिए, और कई लोग जो ऐसे भी हैं बड़े अच्छे हैं, आटा भी देते हैं और पैसे भी देते हैं। आटे से मतलब कि घर ही से, अपने घर से हम, और ये थोड़ा दूर रहते हैं, इसलिए मतलब कि हम दोनों मिलके गायों के लिए रोटी बनाते हैं। इसलिए आप आटा सान लेते हैं? जी हाँ, आटा रोटी सब बना लेते हैं, खाना ऑल लेबर। वेरी गुड। तो और आपके घर में जो पले हुए हैं रैबिट्स, डॉग्स, पैरेट, तो उनको खाना कौन देता है? जी, हम ही देते हैं, और मेरी मदर और फादर भी हेल्प करते हैं। अच्छा जी, तो आपको किन से जानवरों से प्यार है? ऑल नेवर। तो जैसे उनको कुछ प्रॉब्लम होती तो आपको क्या लगता है? मन करता है कि कुछ मतलब कि उन लोगों के लिए करें, और मतलब कि कई जगह देखते हैं कि कार से मतलब कि डॉग को मार देते हैं, और कई लोग पिल्लों को मारते हैं, और कई लोग कहते हैं खाली पिल्ले मरने के लिए रोते हैं। ये चीज़ गलत है, सबसे ज़्यादा गलत है, इस पर रोक लगाई जाए। और मतलब कि हम लोग अभी छोटे हैं, फिर भी एक वर्ड बोलना चाह रहा हूँ कि सरकार से निवेदन है कि इस चीज़ को रोक लगाएं, और कोई पुलिस से मतलब कि इसके लिए कड़ी पकड़ करें, जैसे कि कई जानवरों को मार भी रहे हैं तो उसके तहत मतलब कि केस किया जा सके। थैंक यू। ओके, और आपकी क्या सोच है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अमान खान है। जैसे कुछ एनिमल हैं, डॉग है, काऊ है, इन लोग को लोग मारते हैं, खा फूड नहीं देते हैं, तो वही सब हम लोग देखते हैं, उन लोग को देखते हैं, मतलब चंदा लेते हैं, कुछ लोग पैसा देते हैं, आटा देते हैं, इसलिए वही आटा से हम लोग रोटी बनाते हैं और पैसे से उनके लिए फूड लाते हैं। तो आपके घर से आपको परमिशन मिलती है जाने की? जी, मिल जाती है। डेली जाते हैं या कभी कभी जाते हैं?
संडे संडे जाते हैं हम लोग, क्योंकि स्कूल भी जाना रहता है इसलिए। किस क्लास में हैं आप? हम लोग सिक्स क्लास में। सिक्स क्लास में हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है, और ऐसे करते रहिए। और आप कर रहे हैं तो अच्छी बात है, और अपने साथ में आपके मोहल्ले में जो भी है उनको आप ये ज्ञान शिक्षा दीजिए कि बाहर के जो जानवर हैं वो हम लोग के ही सहारे हैं, तो उनको हम लोग को पालन पोषण के लिए उनके लिए रोटी है, खाना है, जो हो सकता है वो आप उनको दीजिए। और अच्छी बात है, ईश्वर तुम लोगों के लिए अच्छा ही अच्छा करेगा और अच्छा ही ईश्वर। ओके ओके जी। कई लोग कहते हैं कि मतलब कि इससे तुम लोग गलत काम नहीं करोगे, तो उन सब का हम लोगों ने नंबर भी लिया है और उनको ये वीडियो सेंड करेंगे, ये फोटो और इमेजेस आप देख लीजिए। थैंक यू। एक बात और, बस एक बात, कैमरामैन इधर आ जाइए थोड़ा सा। तो मतलब कि लाइक सब्सक्राइब चैनल को, शेयर कमेंट कर दीजिएगा प्लीज। थैंक यू।